तो 16 अप्रैल को निकला था, मैं कल पहुंचूंगा दिल्ली पीएमओ ऑफिस, वहां जाके प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कोशिश करूंगा। मैं हमारे वहां एक अस्पताल है, उस अस्पताल का नाम है इस्पात जनरल हॉस्पिटल, और एक ब्रिज है जो ब्राह्मणी नदी में, वो दोनों मुद्दा को लेकर जा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से मिलने। प्रधानमंत्री जी 2015 अप्रैल फर्स्ट में आए थे, घोषणा की थी कि उस अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे और ब्रिज में दूसरा ब्रिज का निर्माण, जो नदी है नदी में दूसरा ब्रिज का निर्माण करेंगे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए उनका वादा को याद दिलाने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैंने जो घोषणा की थी तब प्रधानमंत्री नहीं था, आपने प्रधानमंत्री बनाया, और आज जब मैं पहली बार आया हूँ तो मैं उस वादा पूरे करते हुए आपको बताना चाहता हूँ। अब इस्पात जनरल हॉस्पिटल ए मेडिकल कॉलेज कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में उसको विकसित करने का भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। जो अस्पताल है उस अस्पताल में कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा लोग मतलब उसी अस्पताल के ऊपर निर्भर करते हैं। उस उड़ीसा के जो राउरकेला है, उस राउरकेला के आसपास झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के सारे मतलब बॉर्डर एरिया के लोग उसी अस्पताल में जाते हैं, और वहाँ उस अस्पताल में रोज़ लोगों का मौत होता है। अब डॉक्टर नहीं है, ट्रीटमेंट पूरा जीरो है वहाँ पर। अब ऐसे समस्या में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि उसको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे, अब इतना दिन हो गया कुछ हुआ नहीं है। कभी कभी रास्ते में मेरे को होटल नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला, कभी मतलब एक एक दिन पानी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, और धूप बहुत ज़्यादा है, धूप के चले में चलने नहीं होता है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोकल जनता है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वो लोग आते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, मतलब जो भी कुछ मेरा प्रॉब्लम होता है वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। आज 70 दिन हो गया मुझे, 16 अप्रैल से निकला हूँ, आज 70 दिन हुआ, कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी उनका मतलब आया नहीं है अभी तक बात करने। वो बोलेंगे तो मुझे विश्वास होगा, अगर वो नहीं बनाएंगे तो भारत की जनता बोलेगी, मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। जनता माफ नहीं करेगी।